ओपीएस पर भी आज बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि बाकी कर्मचारियों के लिए तो ओपीएस बहाल हो ही चुकी है, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी अभी भी इंतजार में हैं। और आज सीएम सुक्खू के साथ इनकी मीटिंग हुई है, किस तरह का भरोसा मुख्यमंत्री ने ओपीएस को लेकर दिलाया है, अपडेट देंगे। और निःशुल्क बिजली पर भी अब यहाँ विवाद खड़ा हो गया है, जो 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जा रही थी उपभोक्ताओं को, तो इस पर भी बिल्कुल जानकारी बारीकी से हम आपको देने वाले हैं। गेस्ट टीचर भर्ती की भी बात करेंगे, क्योंकि विवाद तो काफ़ी पहले ही इसमें हो गया था और गतिरोध अभी तक जारी है, लेकिन इसी बीच अब कुछ कांग्रेस नेताओं की ओर से भी टिप्पणियां की जा रही हैं और कहीं ना कहीं युवाओं के समर्थन में ये कांग्रेस नेता नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी भर्ती पहले दिन से लेकर ट्रॉल हो रही है, लेकिन अब ट्रॉलिंग का समर्थन यहाँ कांग्रेस नेता भी खुद करने लगे हैं। आखिरकार किस कांग्रेस नेता की ओर से क्या कमेंट इस भर्ती को लेकर किया गया है, जानकारी आपको देंगे। जेएलए भर्ती प्रक्रिया अब जल्दी ही शुरू होने वाली है, इंतजार इसे लेकर बना हुआ था बेरोजगार युवाओं में, तो अपडेट ये भी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन शुरुआत जेबीटी से करना चाहेंगे, क्योंकि जेबीटी आज सड़कों पर उतरे थे। हालांकि इनकी ओर से ये अल्टीमेटम दिया गया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ही अपना धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, सभी जिलों में जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए। कारण इसका गेस्ट फैकल्टी भर्ती ही है। इनका ये कहना है कि बहुत सारे जेबीटी अभ्यर्थी बैचवाइज भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, कुछ एक कमीशन फाइट वाले भी हैं, ऐसे में इन्हें मौका देने के बजाय सरकार अपने चहेतों को मौका देना चाह रही है, इसलिए गेस्ट फैकल्टी भर्ती की शुरुआत हुई है। अस्थाई तौर पर यह भर्ती क्यों की जा रही है, अगर करनी है तो स्थाई तौर पर की जाए और उन युवाओं को मौका दिया जाए जो सच में भर्ती का इंतजार कर रहे थे, कमीशन फाइट करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैचवाइज भर्ती का जो इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहां एक साल के लिए यह भर्ती की जाएगी, उसके बाद फिर जो ये गेस्ट लेक्चरर होंगे अपने पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, ऐसे में ना तो इन्हें रिप्लेस किया जा सकेगा और जो बाकी मेहनत करने वाले युवा हैं उनके साथ भी नाइंसाफी होगी। तो आज इस भर्ती के विरोध में सड़कों पर ही उतरे थे। जिला चंबा में इनकी ओर से रैली निकाली गई है, चंबा में लाइब्रेरी से लेकर डीसी ऑफिस तक इन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा और बात अभी यहाँ नहीं थमी है, बल्कि देखिए जो चेतावनी इनकी ओर से दी गई है वो ये है कि शिमला में राज्य स्तर का बड़ा आंदोलन ये करने जा रहे हैं। 4 से 5 दिन की मोहलत इन्होंने सरकार को दी है कि अपना ये फैसला वापस ले ले, क्योंकि अभी तक पॉलिसी ड्राफ्ट भी नहीं बना है। अगर सरकार अपना फैसला वापस लेती है तो अच्छी बात होगी, और नहीं लिया जाता है तो उनके इनके आंदोलन के लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। केवल यहाँ जेबीटी सामने नहीं आए हैं, बल्कि बेरोजगार कला अध्यापकों की ओर से भी इसका विरोध किया गया है, टीजीटीज की ओर से भी इस भर्ती का विरोध किया जा रहा है, और इसके अतिरिक्त जो बाकी बेरोजगार युवा हैं जिनकी भर्तियाँ फंसी हैं वो भी लगातार इस भर्ती का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात अगर हम JOEIT पोस्ट कोड 817 की करें तो आज इन्होंने भी कुछ एक यही सवाल उठाए हैं कि नई भर्तियाँ सरकार कर रही है वो भी अस्थायी तौर पर, जबकि इससे पहले रेगुलर तौर पर जो भर्तियाँ होनी चाहिए थी उसे लेकर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आज सचिवालय का घेराव करने के लिए ये पहुंचे थे और बड़ा प्रदर्शन भी इनकी ओर से किया गया है, सैकड़ों के करीब अभ्यर्थी आए थे, 1800 के करीब ये पोस्टें हैं JOEIT 817 में जो कि भरी जानी है। और हैरानी भरी बात ये है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जारी कर दिए जाते हैं कि रिजल्ट जल्दी ही इनके मैटर में घोषित किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हलचल जब इन्हें सरकार में नजर नहीं आई रिजल्ट घोषित करने पर, तो प्रदर्शन करने के लिए ये सचिवालय के बाहर पहुंचे थे। और इसमें चेतावनी कुछ महिला अभ्यर्थियों की ओर से ये दी गई है कि या तो इन्हें नौकरी दे दी जाए या फिर सरकार जहर दे दे, एक एक दिन काटना इन्हें मुश्किल हो रहा है, ये खुद को लेकर प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। बात केवल 817 के अभ्यर्थियों की नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त जो बाकी पोस्ट कोड्स के अभ्यर्थी हैं वो भी परेशान हैं। कुछ तो अब ऐसे मैटर्स हैं कि जहां रिजल्ट घोषित हो गया है लेकिन 3 महीने बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाई है, तो वो भी इंतजार में है, और कुछ एक पोस्ट कोड्स में रिजल्ट ही घोषित नहीं हो रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आए थे और जब वो लागू नहीं हुए तो हाई कोर्ट ने भी सरकार को लताड़ लगाते हुए ये कहा कि 12 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू किया जाए, यानी कि रिजल्ट 12 हफ्ते के भीतर घोषित होना चाहिए। उसमें से 2 हफ्ते लगभग अभी गुजर गए हैं, लेकिन जब कोई हलचल इन अभ्यर्थियों को नजर नहीं आई सरकार में, तो इन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए और इसी के चलते आज ये प्रदर्शन करने के लिए सचिवालय के बाहर पहुंचे थे। 2021 में ये परीक्षा इनकी ली गई थी, तब से लेकर ये संघर्ष कर रहे थे अपने पदों को लेकर, और उसके बाद फिर नया जो मैटर सामने आ गया वो पेपर लीक का था, क्योंकि पोस्ट कोड 817 पर भी FIR दर्ज है। लेकिन इस संदर्भ में विधि विभाग की ओर से राय ये दी गई है कि कंडीशनल नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। तो सवाल ही अभ्यर्थी ये उठा रहे हैं कि जब कंडीशनल नियुक्ति दी जा सकती है, रिजल्ट घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, हाई कोर्ट की ओर से भी आदेश जारी हो गए हैं, तो फिर किस बात को लेकर लेट लतीफी यहां पर सरकार बरत रही है। मुख्यमंत्री ने 2 से 3 बार मंच से अनाउंसमेंट भी की इन अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक काफ़ी ढीला रवैया ही सरकार का इसमें देखने के लिए मिला है। आज इन्होंने प्रदर्शन किया है, काफ़ी भावुक भी अभ्यर्थी हो गए थे, और डिमांड इन्होंने ये रखी है कि 31 मार्च 2024 से पहले किसी भी हाल में इनका रिजल्ट घोषित कर इन्हें नियुक्तियां प्रदान कर दी जाए। हालांकि अब कैसे संभव होता है, कितना जल्दी इसमें सरकार प्रक्रिया शुरू करती है, ये देखना होगा। बिजली बोर्ड कर्मचारियों पर भी आना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ इनकी बैठक थी ओक ओवर में,
और बैठक काफी पॉजिटिव रही है, एक तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन्हें मिला है, इस तरह की स्टेटमेंट बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने दी है। क्योंकि एक प्रतिनिधिमंडल गया था मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए, वही तीन डिमांड्स इन्होंने अपनी रखी है कि एक तो ओपीएस इनके लिए बहाल कर दी जाए, और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि सैद्धांतिक तौर पर ओपीएस लागू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है, फरवरी से ओपीएस बहाल हो जाएगी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को। ऐलान तो पहले भी तीन दफा हुआ, प्रेस नोट भी जारी हुए, लेकिन उसके बाद जब ओपीएस बहाल नहीं हुई तो बड़े आंदोलन इन्होंने किए। अब इसके बाद देखना होगा कि फरवरी में ओपीएस इनके लिए बहाल हो पाती है या नहीं, क्योंकि एक कारण इसमें बिजली बोर्ड यूनियन के प्रतिनिधियों की ओर से ये भी दिया जा रहा है कि इसी वित्त वर्ष में ज़रूरी है कि ओपीएस इनके लिए बहाल हो जाए, क्योंकि इनका एनपीएस शेयर अभी तक कट रहा है। अगर एनपीएस शेयर जमा हो जाएगा तो कोई और व्यवस्था इनके लिए बाद में लागू करनी पड़ेगी, और भी कई तरह की टेक्निकल परेशानियां सामने आएंगी। तो इसलिए अब इसी वित्त वर्ष में ये ओपीएस इनके लिए बहाल हो पाती है या नहीं, ये देखना होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि स्थायी एमडी की नियुक्ति पर इन्होंने अपनी मांग रखी, क्योंकि अभी मौजूदा समय में जो अधिकारी हैं उनके सेवाओं से ये नाराज चल रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने इन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी ही इस पर भी एक्शन लिया जाएगा, यानी कि स्थायी एमडी इन्हें दिए जाएंगे। अभी फिलहाल मौजूदा समय में जो अधिकारी हैं वो हरिकेश मीणा हैं, और उन्हें फिलहाल पद से हटा दिया जाए, यही मांग बार बार रख रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जानकारी आज सामने आई है वो ये है कि अपनी निशुल्क इनके लिए जो निशुल्क सेवाएं दी जा रही थी बिजली की, उसे लेकर इन्होंने सरेंडर कर दिया है। 125 यूनिट निशुल्क बिजली बोर्ड के कर्मचारी नहीं लेंगे, इस बात पर भी आज इनकी ओर से स्टेटमेंट दी गई है। स्पष्ट इन्होंने करना चाहा है कि हमें सैलरी समय से दी जाए, ओपीएस हमारे लिए बहाल कर दी जाए, भले ही हमें निशुल्क बिजली ना दी जाए, और निशुल्क बिजली लेना ये बिल्कुल छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए रूल्स में कुछ एक अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, तुरंत उसके बाद इन्हें निशुल्क बिजली फिर नहीं दी जाएगी, और खुद ही इन्होंने अपनी ओर से ये मांग रखी है। लेकिन संकट फिर मंडरा सकता है पूरे प्रदेशवासियों पर, क्योंकि बिजली बोर्ड के कर्मियों ने तो देखिए इसकी शुरुआत कर है कि इन्हें निशुल्क बिजली नहीं चाहिए। इसके बाद अगर एक या दो डिपार्टमेंट से और सरकारी कर्मचारी सामने आते हैं और यही मांग रखते हैं कि निशुल्क बिजली उन्हें भी नहीं चाहिए, तो फिर आने वाले समय में सबके लिए भी यह फैसला यहां पर लिया जा सकता है। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने वायदा तो यह किया था कि 300 यूनिट तक बिजली निशुल्क दी जाएगी, और पूर्व सरकार ने यह 125 यूनिट तक बिजली को निशुल्क किया था, लेकिन हालात अब ऐसे बन रहे हैं, परिस्थितियां कुछ इस तरह की है कि बिजली बोर्ड काफी ज्यादा घाटे में चल रहा है, तो कैसे व्यवस्था को आगे के लिए भी सरकार सुनिश्चित करती है यह देखना होगा। देखिए, धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए वहाँ की आम जनता सड़कों पर उतर गई है। दरअसल सांकेतिक धरना आज से ही शुरू हो गया है, एक तरह से ये क्रमिक हड़ताल वहाँ के लोगों की ओर से बताई जा रही है, क्योंकि 30 करोड़ अभी तक राज्य सरकार की ओर से जमा नहीं किए गए हैं, ऐसी बात का विरोध वहाँ के लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार हैं उन पर भी लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो केंद्र सरकार को कहे कि प्रदेश सरकार पर दबाव बनाए अपना शेयर देने के लिए, ताकि ये निर्माण जल्दी पूरा हो सके। हालांकि शांता कुमार की ओर से भी इसमें एक स्टेटमेंट सामने आई है कि वो 90 की उम्र के हैं, लेकिन इस उम्र में मजबूर उन्हें होना पड़ रहा है आंदोलन करने के लिए। कई भाजपा के बड़े नेता हैं जो कि आंदोलन करने के लिए उतर रहे हैं, और मकसद यही है कि किसी तरह से वहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण हो जाए। आम जनता भी वहां की सड़कों पर उतर गई है। आज अंदराड़ पंचायत की महिलाओं की ओर से ये क्रमिक सांकेतिक धरना वहां पर दिया गया, जिसमें कई नारे भी उनकी ओर से लगाए गए हैं, और साथ ही साथ ये मांग भी रख रहे हैं कि जल्द से जल्द सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण धर्मशाला में होना चाहिए। जो 30 करोड़ का शेयर है राज्य सरकार का, उसे जल्द जमा किया जाए। और आज ही वहां अतुल भारद्वाज, जो कि फिलहाल जिनकी अगुवाई में पूरी तरह से ये हड़ताल को अंजाम दिया जा रहा है, उनकी ओर से एक स्टेटमेंट सामने ये भी आई है कि प्रति 7 दिन बाद वो समीक्षा करेंगे इस हड़ताल की, यानी कि निगरानी एक तरह से वो सरकार पर रखने वाले हैं। हर 7 दिन बाद उनकी ओर से कोशिश ये की जाएगी कि आखिरकार कोई फैसला सरकार की ओर से लिया जा रहा है नहीं या नहीं, सरकार की ओर से कोई गतिविधि सामने आई है या नहीं। और जब तक उन्हें ये लगता रहेगा कि सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है, ना ही इनके फेवर में कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो तब तक इनका जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहने वाला है, और आने वाले समय में बड़े आंदोलन का रूप भी ये धरना ले सकता है, ये भी आज अतुल भारद्वाज की ओर से स्टेटमेंट दी गई है। देखिए, कांग्रेस में इस्तीफों का दौर अब शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दिया गया है अभिषेक राणा की ओर से। अभिषेक राणा सोशल मीडिया के अध्यक्ष बनाए गए थे, और ये राजेंद्र राणा के बेटे हैं। सभी जानते हैं कि मंत्री पद की मांग राजेंद्र राणा की ओर से की जा रही थी। हाल ही में जब अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो चर्चाओं में क्योंकि राजेंद्र राणा का नाम भी था, लेकिन फिर राजेश थरमाणी और यादविंदर गोमा को ये जिम्मेदारी दी गई। राजेंद्र राणा तब से लेकर काफ़ी नाराज भी चल रहे हैं, और अब उसके बाद उनके बेटे अभिषेक राणा ने भी इस्तीफा दे दिया है सोशल मीडिया के अध्यक्ष पद से। अब
जहां अटकलें ये लगाई जा रही है। ये नाराजगी के चलते ही इस तरह का इस्तीफा अभिषेक राणा ने भी दिया है, क्योंकि उनके पिता को मंत्री पद नहीं सौंपा गया। और लोकसभा चुनाव से पहले अगर बड़े लीडर्स इस्तीफे देंगे तो इसका बड़ा नुकसान फिर कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, क्योंकि पहले भी यही देखने में आया था। हालांकि हर बार ये होता है कि जब भी चुनावों का समय आता है तो कुछ एक बड़े चेहरे भी अपने अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। लेकिन ये जो बड़ी टकरार अभी हमें देखने के लिए मिल रही है, इसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है? प्रतिभा सिंह की ओर से अभी 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी गई थी कि संगठन और सरकार का तालमेल और ज़्यादा मजबूत करना है। लेकिन इसी बीच अगर बड़े नेता अपने अपने पदों से इस्तीफा देते हैं या एक तरह से बगावती सुर नजर आते हैं, तो कैसे फिर लोकसभा चुनाव की यहां चारों सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब होगी? ये एक तरह से चुनौतीपूर्ण फिर कांग्रेस के लिए रह सकता है। आज ही क्योंकि ये जानकारी देखिए सामने आई है, और अब इसका क्या इम्पैक्ट कांग्रेस पर पड़ता है ये भी देखना होगा। लारजी को लेकर भी जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि 6 माह बाद लारजी में दोबारा बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। बिजली बोर्ड ने लारजी यूनिट 1 को बहाल कर दिया है। 15 जनवरी आधी रात 11:55 से यूनिट नंबर 1 की स्पिनिंग शुरू की गई है। यूनिट नंबर 1 की बहाली पर प्रतिदिन लगभग 6 से 8 लाख यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करने का अनुमान है। इससे हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड को प्रतिदिन 50 से 72 लाख रुपए अनुमानित राजस्व मिलेगा। और सभी इकाइयों की पूर्ण बहाली के बाद लारजी जल विद्युत परियोजना प्रतिवर्ष लगभग 620 MU उत्पन्न करने के लिए तैयार है। ये भी आज एक क्योंकि अपडेट सामने आई थी लारजी से संबंधित, हमारे पास कुछ एक कमेंट्स भी आ रहे थे कि कब तक दोबारा बिजली उत्पादन यहां शुरू हो पाएगा, तो छोटी सी जानकारी हम आपके लिए लाए थे। डॉक्टरों की ओर से भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रमुख 5 मांगों को लेकर आज इन्होंने अस्पतालों में अपना प्रदर्शन जारी रखा। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सेवाएं इनकी ओर से जारी रही, लेकिन काले बिल्ले बांधकर इन्होंने एक तरह से विरोध जताया है। सबसे बड़ी बात नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को लेकर ही है, जो अभी तक सरकार ने बहाल नहीं किया। जून में जब इनकी बैठक हुई थी मुख्यमंत्री के साथ, तो सीएम ने आश्वासन ये दिया था कि आने वाले समय में जो भर्तियां होंगी उसके लिए एनपीए बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। और दूसरी बात यह है कि जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं डॉक्टर, उनकी पेंशन के साथ भी एनपीए को संलग्नित नहीं किया गया है। इस बात की नाराजगी इनकी ओर से जताई गई है। काले बिल्ले लगाकर इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। ज्यादा दिन तक अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो फिर ये भी आंदोलन पर उतर आएंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से डगमगाएंगी। पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तभी मुख्यमंत्री ने इन्हें वार्ता के लिए बुलाया था। अब देखना होगा कि इनके एनपीए को लेकर कोई फैसला होता है या नहीं, हालांकि प्रमुख मांग इनकी यही है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि 3 अगस्त 2023 को एक अधिसूचना जारी हुई थी, जिसमें विशेषज्ञों का वेतन घटाकर 33,660 कर दिया था, जबकि 27 जुलाई 2022 की अधिसूचना के तहत 40,392 इनका वेतन तय हुआ था। तो बाद में कम क्यों किया गया, दोबारा से इसे ठीक किया जाए, इसमें भी संशोधन की मांगें उठा रहे हैं। 4914 की एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम का लाभ भी इन्हें मिलना चाहिए, जैसे कि पहले मिल रहा था। और प्रिंसिपल और चिकित्सा अधीक्षकों की शक्तियां भी वापस कर दी जाए, ये भी इन्होंने मांग रखी है। तो डॉक्टर्स का आज विरोध प्रदर्शन था, लेकिन सेवाएं इन्होंने पूरी दी है। काले बिल्ले लगाकर एक तरह से विरोध ही जताया है, लेकिन अगले कुछ दिनों में अगर सरकार इन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाती है, या इनका नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दोबारा से इनके लिए बहाल नहीं किया जाता है, तो फिर उग्र रूप इनका भी ये प्रदर्शन ले सकता है। JLA भर्ती पर भी आपको अपडेट दे देते हैं, क्योंकि डिग्री कॉलेजेस में जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के पद भरे जाएंगे, लेकिन इसमें पदों की संख्या को लेकर कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, जिस वजह से शिक्षा विभाग ने दोबारा से प्रिंसिपल से डाटा मंगवाया है। पहले जो प्रिंसिपल्स की ओर से डाटा भेजा गया था उसके मुताबिक 132 पद ही बन रहे थे, जबकि शैक्षणिक पोस्ट इसमें 172 के करीब है, यानी कि जो सेक्शन पोस्ट है उसका रिकॉर्ड पहले से लेकर 172 था विभाग के पास, तो इसमें कुछ ना कुछ लापरवाही हुई है। इसीलिए दोबारा से सभी प्रिंसिपल्स को एडिशनल डायरेक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि एक बार फिर वो ये रिकॉर्ड भेजे, और जितने भी पद स्वीकृत किए गए हैं उनके कॉलेजेस में JLA के लिए, उसका डाटा फिगर तुरंत प्रभाव से निदेशालय पहुँचाया जाए। उसके बाद ये प्रक्रिया JLA की भी शुरू होने वाली है। गेस्ट टीचर को लेकर भी एक और अपडेट आपको दे देते हैं, क्योंकि लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं युवाओं की ओर से, और ट्रॉल भी इस भर्ती को किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से आज एक बात कही गई है, उन्होंने युवाओं को धैर्य रखने के लिए भी कहा है, और ये भी कहा है कि एक बार इस पॉलिसी को ढंग से स्टडी करें। ये परमानेंटली भर्ती नहीं की जा रही है, और जल्दबाजी में इसलिए की जा रही है क्योंकि बहुत सारे पद खाली चल रहे हैं, रिक्त पदों को जल्दी भरा जाए, इसी मकसद से गेस्ट लेक्चरर भर्ती हो रही है, क्योंकि रेगुलर तौर पर जो पद भरे जाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस विधायक और पूर्व में मंत्री रह चुके सुधीर शर्मा की ओर से भी इस भर्ती को ट्रॉल किया गया है, और युवाओं के समर्थन में ये नजर आए हैं। दरअसल सुधीर शर्मा ने साफ तौर से एक सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट में कह दिया है कि गेस्ट टीचर और प्रवासी पक्षी में कोई फर्क नहीं है, ये अस्थायी तौर पर भर्तियां नहीं होनी चाहिए, इस पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। पॉलिसी का ड्राफ्ट अभी देखिए सामने नहीं आया है, लेकिन भर्ती पूरी तरह से ट्रॉल हो रही है। आज JBTs की ओर से भी प्रदर्शन किया गया, बाकी युवा
भाजपा भी यही मांग उठा रहे हैं कि इस डिसीजन को वापस लिया जाए। और अब कांग्रेस विधायक भी इस भर्ती के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं अस्थायी तौर पर, क्योंकि एक तो भर्ती हो रही है, दूसरी बड़ी बात एक साल के लिए ही महज भर्ती होगी, फिर एक साल के बाद ये लेक्चरर्स कहाँ जाएंगे, स्कूल से लेकर क्योंकि कॉलेज कैडर तक देखिए इसमें पद भरे जाएंगे, तो इसीलिए विरोध हो रहा है। और जगह इसमें उन युवाओं को दी जानी चाहिए जो कि कमीशन फाइट करने वाले हैं या फिर अपनी बैच वाइज भर्ती का वेट कर रहे हैं, और तीसरी ओर वो युवा भी हैं जिनकी भर्तियां फंसी हुई हैं थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन उन्हें भी इन पदों पर तैनात किया जा सकता है, क्योंकि बाद में जब रिजल्ट घोषित हो जाएगा तो अपनी रेगुलर सेवाएं वो दे पाएंगे। शिक्षा विभाग में भी क्योंकि भर्तियों का हाल यही है, कई पोस्ट कोड्स वहां पर भी अपनी अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर उन युवाओं को मौका दिया जाएगा तो उन्हें रिलीफ भी मिलेगा, उनकी सेवाएं भी जारी रहेंगी, और फिर एक साल के बाद वो एक तरह से अपनी नियमित पदों पर भी आ सकते हैं जिसके लिए उन्होंने कमीशन फाइट किया है। ऐसा कुछ युवाओं की ओर से सुझाव दिया जा रहा है, लेकिन अभी लग नहीं रहा है किसी तरह का बदलाव इसमें किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू और पिछले कर प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी साफ करना चाहा है कि इस भर्ती का मकसद ये है कि जल्द ही यहाँ ट्राइबल एरियाज में विशेष तौर से पदों को भरा जा सके। HRTC BOD की भी आज बैठक थी, कुछ एक बड़े फैसले लिए गए हैं। डेप्यूटी CM मुकेश अग्निहोत्री की ओर से आज प्रेस वार्ता भी बुलाई गई थी ताकि इन फैसलों की जानकारी वो दे सके। पहली बात तो ये कि लगभग 1932 HRTC बसेस खरीदने का फैसला लिया गया है, और इसमें 327 बसें इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, क्योंकि प्रदेश को हरित राज्य बनाना है तो शुरुआत उसकी इलेक्ट्रिक बसेस से ही की जा रही है। इसके लिए चार्जिंग स्टेशंस भी तैयार कर दिए गए हैं, कुछ एक जगहों पर तैयार हो गए हैं तो कुछ एक जगहों पर अभी कार्य जारी है उन्हें तैयार करने के लिए। और बसों की ये खरीद अगले 4 साल के लिए होगी। साथ ही साथ चालक भर्ती को लेकर भी डिसीजन ये हुआ है कि जो चालक भर्ती रुक गई थी उसे भी जल्दी फिर से शुरू किया जाएगा, एक तरह से बहाल किया जाएगा, ये भी आज डिप्टी CM की ओर से जानकारी दी गई है। बैठक में UPI QR और डेबिट और NCMC कार्ड के माध्यम से जल्द कैशलेस टिकट सिस्टम को भी शुरू किया जा रहा है। कैशलेस टिकट सिस्टम शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य होगा, ये भी जानकारी आज दी गई है मुकेश अग्निहोत्री जी की ओर से। HRTC बस के टिकट की वैलिडिटी पूरे देश में ट्रांसफरेबल होगी और कैशलेस टिकट सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल बनेगा, जैसा कि जानकारी हमने आपको दी। बैठक में सेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का भी शुभारंभ किया गया है। कुछ एक बड़े डिसीजन जो रहे हैं उसकी अपडेट हमने आपको दी है, और रुकी चालक भर्ती को भी जल्दी बहाल किया जाएगा, ये सबसे अच्छी अपडेट हम कहना चाहेंगे बेरोजगार युवाओं के लिए। अब आना चाहेंगे अवकाश पर, क्योंकि एक तरह से 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना इस पर जारी हो गई है। सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक अवकाश रहेगा पूरे देश भर में, और सभी केंद्रीय संस्थान, केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान, केंद्रीय कार्यालय, स्कूल, कॉलेजेस, सभी के लिए ये डिसीजन यहां पर लिया गया है। और 2:30 बजे तक हर जगह पर अवकाश रहेगा, वो इसलिए ताकि लाइव कार्यक्रम देखा जा सके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, क्योंकि सभी में एक्साइटमेंट नजर आ रही है, इसलिए ये निर्णय हुआ है। दूसरी बड़ी बात, 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने केवल आधे दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे दिन के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। इसमें जो राज्य हैं वो UP, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा है। हालांकि राजस्थान सरकार की भी पहली कैबिनेट मीटिंग आज है और उसमें ये फैसला लिया जा सकता है अवकाश को लेकर, ये जानकारी भी सामने आई है। पूरे दिन के लिए अवकाश होगा या आधे दिन के लिए ये देखना होगा, लेकिन 5 राज्य देखिए ऐसे सामने आ गए हैं जिन्होंने पूरे दिन के लिए ही अवकाश घोषित कर दिया है। मंत्रियों को कुछ एक निर्देश यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए हैं कि अपने अपने घरों पर ही वो दिए जलाए, गरीब लोगों को खाना खिलाए और पूरी तरह से दीपावली की तरह इस त्यौहार को मनाया जाए, ये भी निर्देश जारी हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में उस दिन किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी ये देखना होगा। 5 राज्यों में क्योंकि पूरे दिन के लिए अवकाश घोषित हुआ है, तो अभी हिमाचल सरकार की ओर से कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया है। आने वाले दिनों में क्या फैसला होता है देखना होगा। अदरवाइज देखिए पूरे देश भर में आधे दिन के लिए तो अवकाश रहेगा ही, इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हो चुकी है। सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक हर किसी को अवकाश रहेगा, कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि अपने घर पर रहकर लोग लाइव कार्यक्रम देख सकते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद ये दिन सामने आया है और हर कोई इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ।